Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Garima and I make videos about DIY and home decor. और अगर आपको ऐसे videos देखना पसंद है तो please आप हमारे channel को एक बार checkout करिए और अगर content अच्छा लगता है तो please subscribe करिए, videos को like करिए, share करिए, comment करिए और हमें grow करने में help करिए. तो आज का जो वीडियो है वो एक मेकओवर वीडियो है. आई एम हियर विद माय अपार्टमेंट्स एंट्री वे मेकओवर. मेरे घर का जो एंट्री वे है वो बहुत ही छोटा सा पैसेज है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है ज़्यादा कुछ करने का. सो आई वाज प्रीटी कंफ्यूज्ड कि मैं कैसे उस स्पेस को फंक्शनल और ब्यूटीफुल बनाऊँ, और इस प्रोसेस में मुझे काफ़ी टाइम लगा, बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स. मैंने इंटरेस्ट पे बहुत सारे रत्न के कैबिनेट्स देखे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे. केन और विकर ये सब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत अच्छा भी लगता है किसी भी स्पेस को एक इंस्टेंटली क्लासी लुक देने के लिए. तो मैं वही करने की कोशिश कर रही थी और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक उसको किया है और आपको भी वो मेकओवर अच्छा लगेगा. बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई विल क्विकली टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो विच इज़ मामा अर्थ. सो एज यू गाइज नो आई वर्क विद लॉट ऑफ डर्ट एंड डस्ट. समटाइम्स आई एम पेंटिंग द वॉल और स्क्रबिंग द फर्नीचर, यू गाइज नो इट. सो ऑब्वियसली माई स्किन गेट्स एक्सपोज टू लॉट ऑफ डर्ट और काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी हो रहा था मेरी स्किन पे. मैंने पहले भी मेंशन किया था ब्रेकआउट वगैरह हो रहा था, और जब से मैंने मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया है आई जनरली फील द डिफरेंस. माय स्किन फील्स मोर सॉफ्टर और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन अब ज़्यादा अच्छे से ब्रीथ कर पा रही है. सो आई एम रियली हैप्पी विद द मामा अर्थ प्रोडक्ट्स एज ऑफ नाउ. आई हैव बीन यूजिंग देयर उपटन फेस वॉश सिंस लास्ट 2.5 months, एंड वेन दे आस्क्ड मी टू रिव्यू अनदर प्रोडक्ट आई वॉज मोर देन हैप्पी टू डू दैट बिकॉज आई जेन्युइनली रिलेट विद द प्रोडक्ट. सो दिस टाइम दे हैव सेंड मी दिस कोको फेस वॉश विच हैज़ गॉट कॉफी एंड कोका, एंड ऑब्वियसली इट हैज़ कॉफी सो इट हैज़ टू बी माई फेवरेट. इट स्मेल्स जस्ट अमेजिंग. इवन इफ यू आर स्लीपी यू जस्ट स्मेल इट एंड यू विल फील ऑल अवेक. All the products from Mama Earth are paraben and SLS free, and they are suitable for all skin types. These products are 100% chemical free and all natural, so it's perfect for families who are trying to avoid chemical in all forms. While using this face wash from Mama Earth, I like to scrub it around the T-zone and the cheek area so that the skin can get the much needed deep cleansing. Mama Earth is an Indian brand and I'm so happy that I've added their products in my vanity, and it is making a lot of difference to my life. I highly recommend their products and I would urge you to check them out if you have not done it already. Now let's get back to our entryway makeover. So we are going to start the makeover process with this cabinet. This is a pretty common shoe cabinet. अक्सर आपको local market में ऐसे cabinet दिखते होंगे, तो हम इसी cabinet को अपना entry way का hero बनाने जा रहे हैं. I like repurposing, upcycling my old furniture. I don't want to buy new furniture again and again, and I want to decrease my carbon footprint on earth as our planet is already suffering with lot. So we'll start the makeover process with sanding the MDF cabinet. MDF पे पेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम इसके सर्फेस को थोड़ा सा रफ करना चाहते हैं जिससे कि इस पर पेंट चढ़ सके. इसीलिए मैं इसके सारे आउटर एजेस पे सैंडिंग कर रही हूँ. वंस यू आर डन विद सैंडिंग देन यूज़ अ डैम क्लोथ एनी रैग एनी क्लोथ टू क्लीन द सर्फेस दैट देर इज़ नो डस्ट on the surface. Now in the next step I am going to apply some wood primer on this cabinet. We'll apply it everywhere at the back, on the top, everywhere. We are going to apply a thin coat of this wood primer. Such wood primers are easily available on local hardware shops where you can get paint supplies, you can get these primers as well. So हमारा cabinet ready है. हमने इसको एक coat दिया था wood primer का और अब ये completely dry हो चुका है. तो अब हम move on करेंगे next step की ओर. कैबिनेट को पेंट करने के लिए मैं एशियन पेंट्स का इनामल साटिन पेंट यूज़ कर रही हूँ. इसमें मैट फिनिश होती है. अभी ये आपको शाइनी लग रहा है बट ड्राई होने के बाद इसमें मैट लुक आएगा. पेंट का ये शेड मैंने खुद बनाया है पेंट स्टेनर मिला के, और पहला वाला शेड मुझे थोड़ा डार्क लगा तो सेकेंड कोट मैंने हल्का कर दिया और ये एक ब्यूटीफुल सा ग्रे निकल कर आया.
Once the paint dries, we'll take off the front panel of the shoe cabinet. हम हार्डवेयर वगैरह निकाल लेंगे और हम फ्रंट पैनल पे लगाने वाले हैं ये बैम्बू मैश. ओरिजिनली मैं यहाँ पे केन की शीट लगाना चाहती थी बट वो अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये बैम्बू मैश. दिस इज़ नॉट एज गुड एज केन बट हम शू कैबिनेट को बार बार यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ. और इसको पैनल के ऊपर स्टिक करने के लिए मैंने वुड ग्लू का यूज़ किया है. ग्लू लगाने के बाद मैंने हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दिया जिससे कि जो बैम्बू मैश है वो कम्प्लीटली पैनल के ऊपर स्टिक कर जाए. आप इसको कपड़ों से भी हल्के से दबा सकते हैं जिससे कि कहीं भी उभार ना रहे. कैबिनेट को एक फिनिशिंग लुक देने के लिए हमने ये वुडन स्टिक्स यूज़ की हैं. ये इजीली हार्डवेयर शॉप्स पे अवेलेबल होती हैं. इनको हमने नेल्स के थ्रू कैबिनेट में लगाया है, नेल्स ठोकी हैं हमने, और जो एक्स्ट्रा मैश निकला हुआ था उसको ब्लेड के थ्रू कट कर दिया है. और मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ ये हैंडल्स जो मैंने अमेजोन से लिए थे. शू कैबिनेट के ऑपोजिट वॉल पे मैं एक मिनी गैलरी वॉल क्रिएट करना चाहती थी, बेसिकली जहाँ पर मास्क ऑर्गेनाइजर हो, की होल्डर हो, इस तरह के बेसिक चीज़ें हो, और दो छोटे छोटे वॉल आर्ट भी ऐड करना चाहती थी जो हमारे कैबिनेट से ही मैचिंग हो. तो उसके लिए मैंने इन पुराने फ्रेम्स को यूज़ किया. मैंने सिंपली इनको एनामल पेंट का ही एक कोट दे दिया, वही पेंट जो मैंने कैबिनेट पे यूज़ किया है. और अब मैं इन पे सिंपल सा डिकोपाज करने वाली हूँ. डेकोपाज के लिए मैं नॉर्मल A4 साइज़ पे ये प्रिंट आउट यूज़ करने वाली हूँ. ये डिज़ाइन मैंने खुद क्रिएट किया है क्योंकि ये मेरे कैबिनेट से मैचिंग है. हमारा कैबिनेट जो है वो हल्के ब्लूइश टोन का है और जो हम बैम्बू मैश यूज़ कर रहे हैं उससे मैचिंग मैंने इस फोटो को बैकग्राउंड दिया है. डेकोपाज करने के लिए सबसे पहले तो मैं उनको कटआउट कर लूँगी, इन दोनों प्रिंट्स को. एक प्रिंट बड़ा और एक प्रिंट छोटा है, वो मैंने जानबूझ कर किया है सो दैट वी कैन हैव अ इंटरेस्टिंग लुक इन द गैलरी. तो मैं इट्सी बिट्सी से ख़रीदा हुआ ये डेकोपाज ग्लू यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ. सबसे पहले तो मैं बेस पे इसको लगा दूँगी एक कोट और पेपर कटिंग को स्टिक कर दूँगी, और फाइनली उसके बाद एक और कोट दूँगी इस पेंटिंग के ऊपर. डेकोपाज ग्लू लगाने की वजह से ये इमेज सिक्योर हो जाएगी, इसको कोई डैमेज नहीं होगा. तो मैं यहाँ पर ये सिंपल सी टेक्निक यूज़ कर रही हूँ. सिमिलर प्रोसेस मैं दूसरे डिज़ाइन के लिए भी यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं दोनों फ्रेम्स को ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी. मास्क ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए मैंने घर में पड़े एक वुडन प्लैंक को यूज़ किया है. मैंने सिंपली उसको चॉक पेंट का एक कोट दिया है और उस पर मास्क अप लिख दिया है. इसका फाइनल लुक मैं आपको एंड में दिखाऊँगी. की होल्डर बनाने के लिए मैं ये पुराना फ्रेम यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने बहुत पहले बंजारा मार्केट से लिया था तो आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे 3 हुक्स लगा रखे हैं. सिमिलरली 3 हुक्स मैंने मास्क ऑर्गेनाइज़र में भी लगाए हैं और मैं इस फ्रेम को भी सिमिलर चॉक पेंट में पेंट कर लूँगी. इट्सी बिट्सी से लिया हुआ चॉक पेंट में यूज़ कर रही हूँ. ये कोको कलर में है और ये मैंने कोशिश की है कि जो हमारा बैम्बू मैश है उससे मैचिंग हो ये. So everything is set now and it is time for the final reveal. So this is how our entryway looked before the makeover. And this is how our shoe cabinet looked before makeover. So here it is, my very own Pinterest inspired entryway. I have been dreaming about this since really long and I'm glad I got to do it within the small budget I had. I wanted the entryway to be beautiful and functional as well. I wanted to have a dedicated space for everything in the new normal, like a space for sanitizer, or a mask station, a basket for keeping all the couriers. And here is the little art which is from my own shop. I have not shared about it on YouTube, but I do have my own home decor shop. I am sharing the link in the description box if in case you want to check it out. Working with this mesh was not easy for sure. This is quite fragile और बहुत easily ये टूट भी सकता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इसको काम करते वक्त. इसको स्ट्रेट करना भी ट्रिकी है. ये ऐसा नहीं कि आपने इसको कहीं पर रख दिया तो ये स्ट्रेट हो जाएगा. अगर आपने बेड मैट्रेस के नीचे रख दिया तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये वापस से रोल हो जाता है.
I got this metal basket from Amazon. I wanted to have a basket so that I can organize small items like goggles, courier bills, etc., mails, etc. I can keep that in this basket so that the entry bay does not look cluttered. I think I like my Jugadu wall art as well. I wanted a botanical kind of a art for the entryway, and I think I managed to do it with the decoupage technique. It is kind of matching with the cabinet. It is going with the overall color palette, so I like it. We have a small fish too for holding the grocery bags. We as a family often forget our grocery bags before stepping out, so now we have a hook which can hold the grocery bag, and this is the basket for the courier. I have ordered another one but using this one right now, and this is how the overall entryway looks now post makeover. I'm pretty happy with all the elements in the entryway, the mirror, the cabinet. I think everything goes well. It looks cohesive and it is functional as well, and it is within my small budget. So I am really happy with the makeover, and I hope you guys also enjoyed this small makeover, and please do leave your comments and do like the video. Thank you so much for watching Metro Mom. I'll see you again soon next week.